हेलो दोस्तों, मैं प्रभात मौर्य और आप देख रहे हैं टीवी जस्ट लाइक दैट। तो आज दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि सुबह से बारिश हो रही थी और आप देख सकते हैं कि छत कितना भीगा पड़ा है। और फिलहाल अभी बारिश बंद हुई है, 10 बज रहे हैं के आसपास, और ऊपर देख सकते हैं कि बादल कितने छाए हुए हैं और बारिश हो सकती है। तो आज मुझे जाना है मार्केट और वहाँ से मुझे लानी है एक सिम लानी है, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि मेरे पास जो था एयरसेल का सिम, तो एयरसेल के साथ क्या हुआ आप तो जानते ही होंगे, एयरसेल के सिम तो बंद हो गई। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जब गांव आया, तो इससे पहले मेरे पास जियो था, तो गांव आया जब तो मैंने देखा कि यहाँ पे वोडाफोन का नेटवर्क अच्छा आ रहा है और जियो का चल नहीं रहा है। तो मैंने उसको जो है एयरसेल का जो सिम था मेरा, तो उसको वोडाफोन में मैंने कन्वर्ट करा दिया। और तो आपको भी दिखाता हूँ कि वो जो मैंने कन्वर्ट कराया था, तो यह देखिए क्या, तो मैंने इसको कन्वर्ट करा लिया था वोडाफोन में और फिर अभी तक यूज कर रहा था। तो फिलहाल आज 5-6 दिनों से जो है कि वोडाफोन का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है सही। और मैंने फिर बगल में गया अपने दोस्त के यहाँ, तो देखा वो जियो चला रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है गांव में भी, पहले उसमें नेटवर्क नहीं आता था। तो मैंने उससे पता किया कि क्या यहाँ पे वोडाफोन नहीं चल रहा है तो क्या जियो अच्छा चलता है। तो मैं उसने बोला कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आइए एक जियो की सिम ले लेते हैं, कि क्योंकि जियो जो रहेगी अच्छा चल रहा है तो वोडाफोन चल नहीं रहा, तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है वीडियो, तो अपलोड कर सकूँगा। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, और आप तो जानते ही होंगे गांव में मार्केट कितनी दूर होती है, और फिर यहाँ से जाना भी साइकिल से पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी है नहीं। मैं वहाँ लखनऊ में रहता हूँ, वहाँ पे गाड़ी है, तो तुरंत उठाया चल गया और जल्दी से आ गया। यहाँ पे तो कुछ ऐसा सीन है नहीं, और गाँव में अभी गाड़ी एक लेनी है, यहाँ पर सभी लोग रहते हैं लगभग, और मैं केवल लखनऊ रहता हूँ। और फिर यही सब सीन है, देखिए गांव के मेरे पीछे का, और यह देखिए पीछे थोड़ा पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह सब है पेड़, और कुछ अच्छे दृश्य हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं गांव में आता हूँ और देखता हूँ कि गांव के कुछ काफ़ी मुझे पसंद आता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जो है शहर में कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और गांव का वातावरण इतना शुद्ध होता है कि मज़ा ही आ जाता है, कुछ अलग ही स्पेस होता है गांव के, मतलब कुछ अलग ही फील होता है गांव में, और इतना बहुत आनंदित होता हूँ मैं गांव के। आप भी बताइए आपको गांव में कैसा लगता है, और आप अगर अपने गांव जाते हैं तो कैसा फील करते हैं, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों फ़िलहाल अभी मार्केट जाना है, क्योंकि बारिश का कोई निश्चित है नहीं कब बरस जो है बारिश होने लगे। चलिए तो फ़िलहाल अभी वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, आगे फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको, मार्केट जाएंगे तो फिर लाइव होंगे हम और फिर इसमें ऐड करें। चलिए दोस्तों hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us and love is all trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on
दोस्तों, मैं मार्केट से आ गया और फिलहाल जब मैं मार्केट जाने वाला था तो एक दोस्त था मेरे साथ जो भी कह रहा था कि मार्केट चलो चलते हैं, तो फिलहाल मुझे जाना ही था क्योंकि मेरा काम ही था, मुझे काम था मार्केट में। और तो उसके पास गाड़ी है, स्कूटी है, तो वो कहा कि मेरी स्कूटी से चलो चलते हैं। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, बारिश का मौसम भी है और तुम्हारी स्कूटी रहेगी तो सही भी है, जल्दी से जाएंगे और आ भी जाएंगे। तो फिलहाल मैं उसकी बाइक से गया मार्केट। तो फाइनली दोस्तों, मैं जियो की सिम लेकर आया और बाज़ार गया था अभी। और आप देख रहे होंगे कि मेरी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसकी दवा भी लेकर आया हूँ। और फिलहाल अभी जियो की सिम मैं लाया हूँ और फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसकी फिर से अनबॉक्सिंग करता हूँ। चलिए आपको जियो सिम का पैकेट दिखाता हूँ। तो यह देखिए, मैं जियो सिम का पैकेट लेकर आया और फिलहाल अभी मैं इसमें से आपको निकाल करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं अभी छत पर ही हूँ और फिर क्योंकि बारिश का थोड़ा मौसम है तो बारिश में नीचे जो घर में अच्छी वीडियो बनती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा छत पर लाइटिंग आ रही है तो मैं छत पर ही वीडियो बना रहा हूँ। आप तो समझ रहे हैं गांव में लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ मैं लाइट जला के भी नहीं बना सकता क्योंकि इन्वर्टर है नहीं गांव में। और फिर उसके बाद लाइट रहती नहीं है उतना, 4-5 घंटे रहती है मुश्किल से। तो फिलहाल यह जियो के अंदर यह था, फिर जियो का यह पेपर है जिसमें जियो के बारे में दिया हुआ है। और फिलहाल ये देखिए, यह सिम कार्ड है। और फिलहाल मैं इसको अपने मोबाइल में लगाऊंगा और फिर आपके लिए यह वीडियो तो मैं इसी सिम कार्ड से लगा के पोस्ट अपडेट करूंगा। और फिलहाल यह देखिए, इसके अंदर जो है स्टिकर भी दिया हुआ है, जो मतलब आप चाहें तो इसको अपनी मोबाइल के पीछे लगा सकते हैं और चाहे तो नहीं लगाएं। मैं तो यहाँ लगा सकता हूँ या आप भी चाहे जहाँ लगा सकते हैं। फिलहाल मेरी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम थी 2 दिनों से, थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो रहा था, उसमें थोड़ा फोड़ा टाइप का हो रहा था, तो मैं उसकी दवा लेने गया था अभी मार्केट। और सिम भी लेनी थी मुझे, 2-2 काम थे और थोड़ा बारिश रुक गई थी तो मैं गया। तो फिलहाल अभी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है और फिर भी मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा जो है कि पानी में भीगता नहीं है, भीगता है तो उसमें पानी जाता नहीं है, थोड़ा वाटरप्रूफ है। और फिलहाल यह देखिए सीन्स कुछ यही सब है, बारिश से भी छत गीला है। और फिलहाल उसके बाद मैं भी अभी छत पे ही हूँ, हल्का हल्का बारिश हो रही तो मैं भीग रहा हूँ। तो फिलहाल चलिए, आप भी अपने कमेंट देते रहिए हमारी वीडियोज़ में और मैं नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और हाँ, एक चीज़ और, अब वीडियो समाप्त करनी है आपके लिए तो लास्ट में मैं एक कट्स डालूंगा, मतलब मोटिवेशनल हो गया या फनी टाइप का कट्स डालूंगा। तो आपको अच्छा लगे तो आप आगे कमेंट करिएगा कि आप आगे वाली वीडियो में डालिए, तो मैं हर वीडियो में डालूंगा। तो चलिए इस वीडियो में कट्स लीजिए। जो है एक बात सीखी है मैंने रंगों से, एक बात सीखी है मैंने रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना पड़ेगा। एक बात सीखी है मैंने रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।